नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, यह बीएड फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। यह असाइनमेंट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट का है, जिसका टॉपिक नेम है साइकोलॉजी टेस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यह असाइनमेंट आप इस इंडेक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक मेंशन किया गया है। आप इसमें सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विकास एवं परिचय, दूसरा है भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास, तीसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता, और चौथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग। उसके बाद अगला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। दोस्तों, इसमें ये टेस्ट दिया गया है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अभिसूरीय परीक्षण। दोस्तों, आपके कॉलेज में या तो आपके टीचर टेस्ट कराते हैं, आप यह टेस्ट इसमें जो दिया गया है उसको भी देखकर आसानी से बना सकते हैं। आप इस असाइनमेंट को देखें और आसानी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विकास और परिचय दिया गया है। आप इसको देखकर अपना असाइनमेंट बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करा जाएगा, आप इसको देखकर अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे और भी असाइनमेंट दोस्तों इस चैनल पर और भी असाइनमेंट अपलोड किए गए हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यह है भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विकास, यहाँ से ये शुरू होता है। आप इसमें ये परीक्षण का स्वतंत्रता प्राप्ति कब से हुआ ये लिख सकते हैं। उसके बाद से ये 1948 से 52, ये देखिए, इसके बाद आएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद से मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग, यानी कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने में, समूहों का अध्ययन करने में, शैक्षिक उपयोग में, सेना में उपयोग, ये इसके प्रकार है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार कौन कौन से प्रकार है, IQ टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, ये सारे इसके प्रकार दिए गए हैं। इसके बाद से ये एक टेस्ट दिया गया है, आप इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं, या आपके कॉलेज में जो भी टेस्ट कराया जाता है आपके टीचर कराएंगे उसको आप लिख सकते हैं, या तो इसको ही सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, आपके असाइनमेंट अच्छा बन जाएगा। देखिए, चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।